नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। कहते हैं कि ये दुनिया कई रहस्यों और पहेलियों से भरी पड़ी है और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। वैसे हमारे वैज्ञानिक इन पहेलियों को काफ़ी हद तक सुलझा लेते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि हमारा दिमाग हिलाकर रख देता है। कुछ ऐसा ही हुआ कजाकिस्तान के कराची गांव में, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कुंभकर्ण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, रावण का भाई कुंभकर्ण की ही हम बात कर रहे हैं। कुंभकर्ण को उनकी नींद की वजह से जाना जाता था। वो साल में 6 महीने सोते और 6 महीने जागते थे। आज भी अगर कोई ज्यादा सोता है तो उसे कुंभकर्ण का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक गाँव ऐसा भी है जहाँ के लोग कुंभकर्ण की तरह सोते हैं? दरअसल आज भी एक गांव ऐसा है जहां लोग महीनों तक सोते हैं। इस अजीबोगरीब गांव का नाम कलाची है। कजाकिस्तान के कलाची गांव में लोग कई महीनों तक सोते रह जाते हैं। इस वजह से इस गांव को स्लीपी हॉलो भी कहा जाता है। यहां के लोगों को अक्सर सोते हुए ही देखा जाता है। इसी वजह से इन लोगों पर कई शोध भी किए जा चुके हैं। इस गांव के लोगों के ज्यादा सोने को लेकर बताया जाता है कि यहां पर यूरेनियम की काफी जहरीली गैस निकलती है, जिसकी वजह से यहां के लोग सोते रहते हैं। यूरेनियम की जहरीली गैस की वजह से इस गांव का पानी भी काफी दूषित हो गया है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया कि यहां के पानी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग महीनों तक सोते रहते हैं। कजाकिस्तान के कलाची गाँव में लगभग 600 लोग रहते हैं। सोने के बाद इन लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। इस गांव के ज्यादातर लोगों को इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दूसरे लोगों के बताने पर ही इन लोगों को बातें याद आती हैं। इस गांव के लोगों की एक और बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहां के लोग कभी भी और कहीं भी नींद लेने लग जाते हैं। नींद की अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त यहां के लोग चलते, खाते, नहाते किसी भी वक्त सो जाते हैं। इस अजीबोगरीब गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें नींद आने का पता ही नहीं चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।